हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एंगुलर न्यू सीरीज। सो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे इंटरपोलेशन के बारे में। इंटरपोलेशन क्या है और इसका यूज हम अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से करते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइज, इससे पहले भी मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एंगुलर से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, मैं आपको प्रोजेक्ट में ले चलता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया था कि किस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें इंस्टॉल करने का भी तरीका बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आता है तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले गाइज, बात हम करते हैं कि जो भी UI पे आपको यहाँ पे दिख रहा होता है ये HTML पेज से आता है। वो HTML पेज के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये वहाँ वाली पेज है जो कि अभी आपने देखा, app.component.html। और यहाँ पे आपको कुछ एक दो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे दिख रहे होंगे और इसके बीच में टाइटल लिखा हुआ है। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक डायनेमिक डेटा हमारे कंपोनेंट से आ रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं app.component.ts file। तो जो भी आपकी डेटा यहाँ पे TS फाइल में होती है, जो कि कुछ लॉजिक से या फिर कहीं API वगैरह से आ रही हो, तो आप उसको एक HTML पेज पर डायनेमिकली प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास किसी दो डेटा है और दोनों पे लॉजिक लगा करके आपको प्रिंट करना है कि अगर ये लॉजिक ट्रू होता है तो फर्स्ट वाला लाइन प्रिंट होगा और अगर फॉल्स होता है तो सेकेंड लाइन प्रिंट होगा। तो उस तरीके के लॉजिक जो होते हैं, उस तरीके के डेटा जो भी आउटपुट आते हैं, आप उसको प्रिंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इस तरीके से बीच में वेरिएबल का नाम और कर्ली ब्रैकेट्स आप दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो आपका वो डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि चलिए हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, H1 टैग लेता हूँ। अभी आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम हेलो वर्ल्ड, और ये कहाँ से आ रहा है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वेलकम यहाँ पर देख सकते हैं यह है HTML पेज पे जो कि H1 टैग में मैंने ऐड किया है, और यह जो टाइटल है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड है, मतलब कि यह इंटरपोलेशन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ डेटा जो है वो आएगी यहाँ कंपोनेंट फाइल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है टाइटल और इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो वो चीज़ें आपको UI पे यहाँ पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। सेम ही उसी तरीके के लिए आपको एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक और ऐड करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ डेटा, और इज इक्वल टू इसके अंदर मैं लिखता हूँ वर्मा जी सर्विसेस। वर्मा जी सर्विसेस और सेमीकोलन। अगर इस डेटा को हमें UI पे प्रिंट करना है तो उसके लिए फिर से हम चलिए H1 टैग एक ले लेता हूँ और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके बीच में वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका नाम था डेटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि UI में जो भी यहाँ पे मैंने अभी लिखा है डाटा, आई थिंक मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो पहले आप चेंजेस जो भी हो उसको सेव कीजिए और देन यहाँ पे आप उसको कर्ली ब्रेसेस में ऐड करें उस वेरिएबल नाम को। यहाँ आपकी डेटा और प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, उन सभी चीज़ों को इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप एरे हो या ऑब्जेक्ट हो लूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं, जो कि ये पॉसिबल है ng4 लूप से। तो आगे आने वाले वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एरे को, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं UI पे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहे। इस वीडियो में आप बेसिकली सीख रहे हैं इंटरपोलेशन के बारे में, इंटरपोलेशन का यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब UI पे हमारा वर्मा जी सर्विसेस भी आ चुका होगा जो कि यहाँ पे आपको प्रिंट होकर दिख रहा होगा। आप चाहे तो यहाँ पे फंक्शन को भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं एक यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ जो कि रिटर्न स्टेटमेंट करेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गेट फन और ये फंक्शन बनाता हूँ और इसमें मैं रिटर्न करता हूँ कुछ रिटर्न। अब आप देखेंगे कि इस फंक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले हम फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक मैं और H1 टैग ले लेता हूँ सबसे पहले, और इसके अंदर इंटरपोलेशन लगाएंगे, सॉरी इस तरीके से, और इसके बीच में वो फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे गेट फंक्शन, और इस तरीके से आपको फंक्शन कॉल करना है ताकि ये एक तरीके का फंक्शन कॉल हो जाएगा
जो भी मैंने इधर फंक्शन बनाया है वो यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ इंटरपोलेशन में से। तो अब आप देखेंगे कि यूआई पे हमारा वो फंक्शन कॉल भी यहाँ पे जो भी उसमें रिटर्न हो रहा है स्टेटमेंट वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इंटरपोलेशन में फंक्शन को भी रिटर्न करके प्रिंट कर सकते हैं। अब और हम इसका बताते हैं कि यूजेज क्या है। जैसे कि फिर से मैं यहाँ पे H1 टैग लेता हूँ और इसमें इंटरपोलेशन देता हूँ मैं, और इसके बीच में क्या करता हूँ कि आप कुछ अगर मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो वह भी पॉसिबल है यहाँ पे इंटरपोलेशन में, आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा जो भी मैंने ऐड करने के लिए, वो यहाँ पे चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देते हैं तो मल्टीप्लीकेशन भी होकर के आपका आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले पे मिल जाएगा। अगर आप ट्रू फॉल्स करके कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर ट्रू हो तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न हो, अगर फॉल्स हो तो फॉल्स हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं डेटा इज इक्वल टू वर्मा जी सर्विसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ से इस वाले स्पेस को हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। अभी मैं डेटा को यहाँ पे लेता हूँ और चलते हैं इसको पहले सेव करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वाइट ये एक सिंबल आ रहा है, इसका मतलब कि सेव नहीं किया है मैंने, तो सेव कर दिया मैंने। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम वो लिखेंगे डेटा जो भी था उसमें डबल कोट के अंदर हम वो लिखेंगे वर्मा जी, और अब हम सेव करेंगे। और अगर ये डेटा इस वाले डेटा से मैच हो रहा होगा इस वाले डेटा से तो वहाँ पे प्रिंट होगा ट्रू, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कि ट्रू प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों डेटा हमारा मैच हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं तो देखिएगा वहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ HH, तो अभी हमारा फॉल्स हो गया होगा क्योंकि मैच नहीं हो रहा है TS फाइल से। तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो चुका है। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पे पॉसिबल है, आप कंप्लीजन ऑपरेटर लगा करके, आप इफ इल्स कंडीशन लगा करके वो भी आप इंटरपोलेशन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्या लिमिटेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी डेटा का टाइप ऑफ नहीं चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ डेटा तो आपको एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ चुका है, यूआई पे भी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है। तो आप बेसिकली ये टाइप ऑफ डेटा या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, नंबर नंबर इज इक्वल टू 100, और सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इस वाले इंटरपोलेशन के अंदर। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 100 प्रिंट हो चुका है। सॉरी आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था इस वाले डेटा को, तो इसको पहले सेव करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 100 आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 इज नंबर इज इक्वल टू, ये नंबर जो है मेरा वेरिएबल का नाम था जो कि मैंने यहाँ दिया है, और मैं इसको नंबर को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ 200, तो आप ये भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, आपको एरर मिलेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट प्लस प्लस जैसे कि यूज करते हैं ताकि हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर काम नहीं करता है, उसमें भी आपको एरर देखने को मिलेगा। तो ये सभी लिमिटेशन हैं जो कि इंटरपोलेशन में आप नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरपोलेशन का यूज है आप डायनेमिक डेटा को प्रिंट करने के लिए। जो भी डेटा API से आ रही है, कभी सर्वर से आ रही है या फिर आपके कंपोनेंट से आ रही है, किसी भी कंपोनेंट से शेयर होकर डेटा आ रहा है, कोई उस पर लॉजिक लगा हुआ है, तो सभी डेटा को प्रिंट करने के लिए हम बेसिकली हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन का। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंटरपोलेशन का यूज क्यों करते हैं। फिर से आई थिंक मैंने इसको सेव नहीं किया है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। नंबर यहाँ भी हमें मिला नंबर, फिर क्यों एरर मिल रहा है मुझे? सही है, वो पहले का जो एरर था वो शो हो रहा था यहाँ पे, मैंने स्क्रॉल डाउन नहीं किया था। एक बार क्लियर करके मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, Ctrl+C देन ng-serv। तो देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर रहा है और 100 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है।
तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में सीख गए होंगे कि इंटरपोलेशन को हम किस तरीके से यूज करते हैं और इसका क्या क्या यूजेज है। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।